सो हेलो क्लास, आई वेलकम टू यूर गाइस ऑन माई चैनल एक्सट्रीम क्लासेस। सो बेसिकली क्लास, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ईपी के बारे में पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड नाउ वी ऑल आर वेरी फैमिलियर अबाउट ईपी, एंड ऑल्सो वी आर फैमिलियर टू फाइंड एनी सिक्वेंस ईपी और नॉट, वट एवर। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईपीज एज वेल एज सम ऑफ ईपीज। क्लियर? वट इज इट मीन्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ईपी को कैसे निकालते हैं, कोई सिक्वेंस ईपी में है या नहीं है, या इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि किसी भी सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू की पोजीशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड दैट द सम ऑफ एपी एज वेल एज डिफरेंस ऑफ एपी विद द मल्टीप्लीकेशन एंड मैनी थिंग्स। सो अब हम एपी के सम को, एपी के डिफरेंस को अलग अलग कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी के बिहाफ पर है। और अगर हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें, सो वी कैन से दैट suppose there is a question which term of the AP will be 55 more than its 20th term। यानी कि हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द नेम ऑफ अ चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये कौन सा वीडियो है? ये वीडियो है पार्ट 3। नाउ व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which term of the AP, which term of the AP, which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on will be 55 more than its 20th टर्म। सो इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें और समझें अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी का हमारे पास सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में हमें क्या फाइंड करना है कि 54 मोर देन इट्स 20th टर्म। हमारे पास एक एपी का सीक्वेंस है लाइक 3, 8, 13 एंड आफ्टर 13 देयर इज अ 18। हमारे पास एक ईपी का सीक्वेंस है 3, 8, 13, 18 और ये सीक्वेंस आगे बढ़ते चला जा रहा है। और इसकी कौन सी पोजीशन, ठीक है, कौन सा टर्म 55 मोर देन होगा इसके 20th टर्म में। अगेन रिमेंबर व्हाट आई सेड, हमारे पास एक ईपी का सीक्वेंस है, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारी सेकेंड है, ये हमारी थर्ड है, ये हमारी फोर्थ है और ये पोजीशन बढ़ते चली जा रही है। तो ऐसा करते करते एक हमारा टाइम आएगा जहां पे हम 20th पोजीशन पर रहेंगे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि वो कौन सी पोजीशन है इसकी जिस पोजीशन की वैल्यू 20 पोजीशन से भी 55 ज्यादा है। मतलब कि अगर 20 की पोजीशन सपोज करो x है तो हमें वो पोजीशन ढूंढनी है, वो पोजीशन हमारी 21 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू x प्लस 55 होगा। मतलब कि 20 पोजीशन से भी 55 अधिक। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यानी कि हमें सबसे पहले इसके 20 पोजीशन की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ये किस वैल्यू को, इस वैल्यू को। तो हम इसे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, हमें ये सीक्वेंस कहां तक फाइंड करना है, 20 टर्म तक फाइंड करना है। क्लियर? सो व्हाट वी डू, देयर इज अ ए व्हिच इज इक्वल टू 3, देयर इज अ डी व्हिच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड देन एन इज इक्वल टू 20 एंड वी नीड टू फाइंड ए एन व्हिच इज इक्वल टू 20th टर्म। ठीक है, an हमें निकालना है जो 20th टर्म के बराबर होगा। इसके लिए सबसे पहले an is equal to a plus n minus 1 into d। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अब हमने यहां पे a, d, n की वैल्यूज पुट लिख लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उसका हमने यहां पे फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला पे हम क्या लिखेंगे, an is equal to 3 plus n means 20 minus 1 into d means 5। Now what we have an is equal to 3 plus 19 into 5. After this, an is equal to 3 plus 5 nine 45, 5 carry 4, 5 one 5 plus 4, 9. So an means a20. So a20 term is equal to 95 into 3, 98. यानी कि अब हम क्या कहेंगे कि ये जो 20th term था ये क्या आ गया, 98 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस सीक्वेंस में वो कौन सी पोजीशन है जिसकी वैल्यू 20th term से 55 ज्यादा होगी। तो उस पोजीशन को हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। व्हाट वी फाइंड, व्हाट लेट दैट पोजीशन वेयर 20 टर्म मोर देन 55
इज इक्वल टू एन. हमने वो पोजीशन जहां पे 55 ज्यादा आएगा 20 टर्म्स है उसे मान लिया एन, तो हम लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू 20 टर्म की वैल्यू क्या है ए 20 प्लस 55. क्लियर. अब ए एन हमें नहीं पता है क्या है बट ए 20 की वैल्यू 98 है और प्लस 55 कर दिए यानी कि ए एन इज इक्वल टू 153. यानी कि 153 AM की वैल्यू A20 की वैल्यू कितनी है 98 और 55 हमें इससे एक्स्ट्रा लाना है. ठीक है तो यानी हो गया 153. इस 20 टर्म की वैल्यू 98 आ रही है ये तो ठीक है लेकिन अब हमें ये ढूंढना है कि ये जो 153 है ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है और वही पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. इसके लिए हम क्या करेंगे एक बार फिर से A is equal to 3 ये सारा चीज वैसे ही रहेगा. D is equal to 5 हमारे पहले की तरह रहेगा. N की वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है बट AN की वैल्यू हमें क्या है पता है क्या है 153. ठीक है आपको अगर इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही हो तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब हमारे पास जो सीक्वेंस है 3, 8, 13, 18 का ये किस पर जाके खत्म हो रहा है 153 पे. इसमें कहां खत्म हो रहा था 20 टर्म पे तो ये निकाल लिया अब क्वेश्चन के बिहार पर ये 153 पे खत्म हो रहा है. तो ए इज इक्वल टू 3 डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 एंड एन हमें नहीं पता है क्या है और ए एन हमारे पास क्या है 153. अब हम यहाँ क्या करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू कितनी मिली है 153. ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 का मतलब एन माइनस 1 क्योंकि एन हमें पता नहीं है और डी क्या है हमारे पास 5. सो 153 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एन माइनस 5. अब 153 इज इक्वल टू 3 में से 5 जाएगा माइनस 2 प्लस 5 एन यानी 153 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एन 155 इज इक्वल टू 5 एन. अब देखो क्या हो जाएगा यानी कि जो हमारा 5 एन है वो 155 के बराबर है तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 155 अपॉन 5. नाउ व्हाट वी हैव एन इज इक्वल टू 5 3 15 एंड 1 यानी कि 31 वो पोजीशन है जिसकी वैल्यू 20 टर्म की वैल्यू से 55 ज्यादा है. भाई ये 153 किस पे आ रहा है 31 टर्म पे आ रहा है यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे n की वैल्यू 153 है तो a 31 इज इक्वल टू 153. अब ये 153 क्या है 20 टर्म से जो कि 98 है उससे 55 ज्यादा है तो यानी कि जो पोजीशन ढूंढ रहे थे वो कौन सी पोजीशन होगी 31 पोजीशन होगी और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था. बेसिकली क्लास ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर थे अब थोड़े से ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हमें मिलना स्टार्ट होंगे जहां पे हम मोर देन लेस देन मल्टीपल ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इसी के बिहाफ पर होगा और उसे समझने में हमें और आसानी होगी. क्यों क्योंकि हमने अभी उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया है. अगर हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इसे मैं इरेज कर देता हूं विच टर्म ऑफ द एपी 5 15 25 5 15 25 एट सो ऑन विल बी 130 मोर देन इसकी जगह क्या हो जाएगा 130 मोर देन इट्स 31st टर्म यानी कि इस बार हमें एक एपी मिला है जिस एपी का जो सीक्वेंस है वो 5 10 15 करके है और इस सीक्वेंस में हमें कौन सी पोजीशन निकालनी है 31 पोजीशन से 130 एक्स्ट्रा मतलब सेम टास्क जो हम इसके पहले परफॉर्म कर रहे थे वही टास्क हम फिर से परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले 31st टर्म ढूंढेंगे यानी कि 5 5 15 25 एड्स वन तक जाएंगे और सबसे पहले ये 31st टर्म ढूंढेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 20th टर्म ढूंढा था तो यहाँ पे हम कौन सा ढूंढेंगे पहले 31st टर्म ढूंढेंगे. ठीक है तो यानी कि ए हो गया हमारे पास 5 डी हो गया हमारे पास 15 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 10 और एन हो जाएगा हमारे पास 31 और ए एन हमें क्या करना है फाइंड करना है. नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. So what we have an का मतलब ये 31 टर्म ए 31 इज इक्वल टू 5 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 10. सो ए 31 इज इक्वल टू 5 प्लस 30 इंटू 10
831 is equal to 5 plus 30 tan 300. So A31 is equal to 305. यानी कि हमने क्या लिखा, 31st पोजीशन जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 305. अब हमें वो पोजीशन ढूंढनी है जिसकी वैल्यू 31 पोजीशन से 130 ज्यादा है. उसे हम फिर से यहाँ पे क्या मान लेते हैं, n, यानी an is equal to वो nth पोजीशन ढूंढनी है जहां पे A31 plus 130 है. A31 मतलब 305 plus 130. So an is equal to 534. हमें 435 की nth वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब इसके लिए हम चाहें तो एक बार फिर से इसी चीज को लिख लें, 5, 15, 25, और ये जाते जाते हमें 435 तक को ढूंढना है, 435 इसकी पोजीशन को. ठीक है, आपको पोजीशन और वैल्यू में डिफरेंस पता होगा, नहीं पता है तो मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखिए, बिकॉज मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि पोजीशन क्या होता है और वैल्यू क्या होता है. आफ्टर दिस ए इज इक्वल टू 5 एज यूजुअल, डी इज इक्वल टू 10 वी ऑल नो, एंड ए एन इज इक्वल टू 435. It's very easy and we need to find n. So what we have, an is equal to a plus n minus 1 into d. So what we have, 435 is equal to 5 plus n minus 1 means n minus 1 because we don't have any n value. And after these, 10. Now we can write 435 is here also. Which way? 5 plus 10 into n, 10n minus 10 1 is 10, which is equal to 435. ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 10 n इज इक्वल टू 435. नाउ 10 n इज इक्वल टू 435 प्लस 5, 10 n इज इक्वल टू 440, n इज इक्वल टू 440 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, सो वी हैव n इज इक्वल टू 44. अगेन वी कैन से दैट कि ए 44th वो पोजीशन है जिसकी वैल्यू 435 आएगी. ठीक है, क्योंकि यही हमने निकाला है, 435 की पोजीशन, इस 435 की पोजीशन में कितने मिली है, 44. यानी कि 44th वो पोजीशन है जिसकी वैल्यू 31st टर्म से भी 130 एक्स्ट्रा आ रही है. तो ये सारे कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, आगे हम इसके बाद से आप नोट डाउन कर सकते हैं. And after this, we will solve another question. And ये question हमारा पुराने question से थोड़ा different हो. मैं भी question के corrections को देखता हूँ, मैंने क्या क्या question इकट्ठा किया. And these questions are like, हाँ थोड़ा सा अलग है question, बहुत ज़्यादा difference नहीं है, लेकिन यह है कि easy question है definitely. अगर हम इस question को देखें तो if the tenth term, क्वेश्चन सेज इफ द टेंथ टर्म ऑफ द एपी इफ द टेंथ टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड 17th टर्म is 20 more than its 13th term. अगला find AP. यानी कि if the 10th term of an AP is 52, if the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than its 13th term. So find AP. यानी कि question ये कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन का टेंथ टर्म जो है वो किसके टर्म ऑफ द एपी 52 वो कितना है, 52 है, एंड 17th टर्म कितना है, 20 मोर देन इट्स 13th टर्म. तो यानी कि हमें उस एपी का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है. अब देखो इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A10 इज इक्वल टू 53. ठीक है, क्योंकि अभी हम देखो एक पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करने का मतलब क्या है कि देखो पहले हम यहां से यहां तक देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है. इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, ठीक है,
ऑफ एन एपी 52, यानी कि ATM की वैल्यू कितनी आ रही है, 52 आ रही है। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52। नाउ ऑल्सो वी कैन राइट a प्लस 9d इज इक्वल टू 52। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, 17th टर्म इज 20 मोर देन इज 13th टर्म, यानी कि 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो 17th को लिख सकते हैं a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 20 प्लस a प्लस 13th माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये बड़ा ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, ये लगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद होगा a प्लस 16d विच इज इक्वल टू 20 प्लस a प्लस 12d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d और a, यानी कि सबको एक तरफ कर देते हैं। सब उसके पहले भी हम a से a को रिमूव कर सकते हैं, क्लियर। अब 12d को इधर भेजते हैं, 16d माइनस 12d विच इज इक्वल टू 20। आफ्टर दिस 4d इज इक्वल टू 20 एंड देन d इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 5। यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस था d था, वो इस इक्वेशन की हेल्प से कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम इसके आगे लिख सकते हैं, पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। नाउ व्हाट वी गेट, देयर इज अ a प्लस 9d इज इक्वल टू 52। नाउ वी हैव अ a प्लस 9 इनटू 5 इज इक्वल टू 52। आफ्टर दिस a प्लस 45 इज इक्वल टू 52। a इज इक्वल टू 52 माइनस 45, नाउ a इज इक्वल टू 7। तो देखो अभी हमें a मिल गया 7, d मिल गया 5, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके आगे का हमारा कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का, फाइंड एपी। अब हम एपी को फाइंड करेंगे। एपी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहां पे फाइंड कर देता हूं एपी। ठीक है, फाइंड एपी के लिए हमें ए मिल गया है विच इज इक्वल टू 7, डी मिल गया है विच इज इक्वल टू 5। नाउ व्हाट, हाउ वी फाइंड एपी, ए ए प्लस डी, पहला टर्म हो गया ए, दूसरा टर्म हो गया ए प्लस डी, तीसरा टर्म हो गया एपी। फाइंड करने का मतलब सीक्वेंस फाइंड करने का, सो वी हैव अ फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू ए, वी हैव अ सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू ए प्लस डी, वी हैव अ थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू ए प्लस 2d, वी हैव अ फोर्थ टर्म विच इज इक्वल टू ए प्लस 3d, वी हैव अ फिफ्थ टर्म विच इज इक्वल टू ए प्लस 4d। नाउ ए मीन्स 7, ए प्लस डी मीन्स 7 प्लस 5 12, ए प्लस 2d 7 प्लस 2 इंटू 5 17, 7 प्लस 3 इंटू 5 22, 7 प्लस 4 इंटू 5 27। अब हमें सीक्वेंस क्या मिला है, 7 12 17 22 27 एट सो ऑन, यानी कि हमें जो वैल्यू मिली है वो ए की कितनी मिली है 7, डी की कितनी मिली है 5, इसके भी आप पर 7, 12, 17, 22, 27, इस मींस 7, 12, 17, 22, अब हमारा ए हो गया 7, डी हम निकालेंगे तो 12 माइनस 7 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5, यहां भी चेक कर लेते हैं 17 माइनस 12, सो 17 में से हम 12 माइनस करेंगे तो अगेन वी हैव अ 5। तो ये हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए जिनको हम इन तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ फाइंड द मिडिल टर्म। अब हम मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिकॉज मिडिल टर्म के हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं। अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी या ऑफ द
एपी 6 13 20 एंड सो ऑन टू 216। अब देखो मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे। मिडिल टर्म निकालने का मतलब है कि सपोज करो आपके पास 2 4 6 8 10 ऐसे करके टर्म है, तो 2 से लेकर 10 तक है, ठीक है, या 2 से लेकर 12 तक है, तो हमारे पास क्या 2 4 6 8 10 12 6 टर्म हो रहा है, यानी 3 और 4 इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। साथ ही साथ सपोज करो हम 10 तक जा रहे हैं तो 2 4 6 8 10 5 टर्म्स हो रहे हैं, तो हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n की वैल्यू ऑड में आ रही है तो प्लस 1 करके अपॉन 2 कर देते हैं, नहीं तो फिर उसके साथ दो वैल्यूज को लेते हैं। दोनों के टर्म को हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 13 20 एंड सो ऑन टू 216, इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने से पहले हमें इसकी टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि 216 जिस भी पोजीशन पे उस पोजीशन को निकालना रहेगा, ताकि हमें यह पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7 एंड an इज इक्वल टू 216 एंड वी नीड टू फाइंड n। नाउ व्हाट वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, सो an 216 इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इनटू d मींस 7। सो अब हम यहां पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 6 प्लस 7 एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 216। 6 में से 7 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, प्लस 7n इज इक्वल टू 216, सो 7n इज इक्वल टू 216 प्लस 1, क्लियर। नाउ n इज इक्वल टू 217 अपॉन 7, सो n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7 3 21 7 7 31, यानी कि जो टोटल हमारे पास टर्म आया है नंबर ऑफ टर्म वो कितना है, 31 है। अब हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। सो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म के लिए n प्लस 1 अपॉन 2, सो वी हैव अ 31, सो वी कैन राइट हियर 31 प्लस 1 अपॉन 2, सो 32 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 16, यानी कि मिडिल टर्म हमारे पास कितना आ गया, 16th टर्म आ गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस में कौन से सीक्वेंस में, 6 13 20, ठीक है, इस सीक्वेंस में हमें 13th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 16th टर्म निकालना है। क्यों 16, क्योंकि हमारा जो मिडिल टर्म आया वो 16 आया है। कैसे आया है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल के ऑड नंबर में था इसलिए प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दिया है। सो अब 16 टर्म निकालेंगे तो हमारे पास फिर से a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 16 एंड वी नीड टू फाइंड an, क्लियर। सो अगेन वी राइट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। अब इस फॉर्मूले पे हम सारे टर्म्स को पुट करेंगे, कैसे, an इज इक्वल टू 6 प्लस 7 माइनस 1 इनटू d मींस 16 minus 1 is into d means 7. So we have a 6 plus 15 into 7. 6 plus 7 5 is 35. 7 7 plus 3 10. 105. So we have a 111. A 16th is equal to 111. A 16th ki value kitni hai? 111. Yani ki jo iska middle term hai, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 111 आएगी। आप इसे एक बार फिर से क्रॉस चेक भी चाहे तो कर सकते हैं, n is equal to a plus n minus 1 into d, so we have a 6 and n is 16 and d is 7, so we have a 6 plus 15 into 7, 7 for 35, so we have a 70 plus 5 105 plus 6 111। तो ये तरीका हो गया हमारा मिडिल टर्म निकालने का। अब सपोज करो ए मिडिल टर्म हमारा इवन नंबर में आया या किसी और फॉर्म में आया, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 एस ऑन टू माइनस 62।
10, 7, 4 and so on to minus 62. So how we find? देखो अब हम यहां क्या करेंगे, अगेन 10, 7, 4 एंड सो ऑन टू माइनस 62. अब a की वैल्यू कितनी हो गई 10, d की वैल्यू कितनी हो गई 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू माइनस 62. अब हम करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, यानी कि माइनस 62 इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू d मीन्स 3. माइनस 62 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 एंड माइनस 3. सो माइनस 62 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 मीन्स 7 प्लस 3 9 n. सो माइनस 62 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 n. सो n इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 62 हमारा माइनस में है, हाँ 62 हमारा किस में, 10 7 4 माइनस में है. अब हम इस चीज को देख रहे एक बार, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 7 माइनस 10. हाँ देखो एक थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया है, हमें समझना पड़ेगा बिकॉज मुझे लग गया है, d की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 10 मीन्स माइनस 3 आएगी. मैं इसे एक बार इरेज करता हूँ और एक बार फिर से इस लाइन को लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 3 एंड an इज इक्वल टू माइनस 62. आफ्टर दिस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो यानी कि माइनस 62 इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू d मीन्स माइनस 3. तो माइनस 62 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 3n प्लस 3, ठीक है, तो यानी माइनस 62 इज इक्वल टू 10 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है, तो माइनस 62 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13 माइनस 3n. 13 को इधर भेजेंगे तो माइनस 62 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 3n. अब देखो 3 टू 5 617 एंड माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस 3n. n इज इक्वल टू माइनस 75 अपॉन माइनस 3. सो वी हैव n इज इक्वल टू 3 टू 6 एंड 3 5 15 25. तो ये तो ठीक है यहां तक कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई. बट अब ये है कि इसका मिडिल टर्म क्या आएगा. अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू, सपोज करिए हमारा मिडिल टर्म है 25, तो n प्लस 1 अपॉन 2, 25 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 एंड 2 इज 2 2 3 या 6, यानी कि जो हमारा मिडिल टर्म है वो कितना आ गया 13th आ गया. अब हमें इस 13th का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, क्योंकि मिडिल टर्म की वैल्यू निकालनी है हमें. तो 13th की वैल्यू के लिए ए हमारे पास 10 पहले से है, डी हमारे पास माइनस 3 पहले से है और हमारे पास अब एन आ गया 13. सो वी हैव ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 13 माइनस 1 इंटू डी मीन्स माइनस 3. ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस 12 इंटू माइनस 3. सो वी हैव ए एन मीन्स ए एन का मतलब हम बार बार क्या लिख रहे हैं अब ए 13th. सो ए 13th इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 36, तो यानी ए 13th इज इक्वल टू माइनस 26, यानी कि जो ए 13th की हम बात कर रहे थे वो कितना आएगा माइनस 26 आएगा. तो ये हमारा क्या था, मिडिल टर्म निकालने का एक अलग तरीका था. इसी तरीके से हमने पुराने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है और अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. सो फाइंड द सॉरी अच्छा ये हमारा फोर्थ नहीं ये हमारा फाइव फिफ्थ क्वेश्चन था. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. अब इसके बाद सिक्स्थ क्या कह रहा है. फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि अब हमें सम निकालना है किसी दो मिडिल टर्म का. किसी दो मिडिल टर्म का मतलब अब हमें मिडिल टर्म किस में मिलेंगे, इवन में. लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस और कैसे हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे या सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6.
6 वॉट्स हैं। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी माइनस 4 बाई 3 माइनस 1 माइनस 2 बाई 3 एल्सो ऑन टू 4 होल 1 अपॉन 3। यानी कि अब हमें इस क्वेश्चन में मिडिल टू दो मिडिल मोस्ट टर्म की के सम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सो लेट सी। वी हैव माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3 एल्सो ऑन टू 4 होल 1 अपॉन 3 का मतलब है 4 3 12 13 अपॉन 3। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3 हो गया। ठीक है, d इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 4 बाई 3, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 बाई 3। क्लियर, यानी हो गया 3 3 बन गया 3 माइनस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये आ गया हमारे d की वैल्यू। a मिल गया हमें, d मिल गया हमें, an हमारे पास मिला हुआ है कितना है 4 3 12 13 13 अपॉन 3। यानी कि सबसे पहले इसे हमें 13 अपॉन 3 का nth टर्म निकालना पड़ेगा, जितना भी nth टर्म आएगा उसको 2 से डिवाइड करके मिडिल मोस्ट टर्म निकालेंगे एंड देन वी ऐड बोथ टर्म्स व्हाटएवर वी हैव आफ्टर फाइंडिंग मिडिल टर्म। तो अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझो, हमारे पास एक सीक्वेंस था जहां पे हमने a निकाला d निकाला और an हमें मिला हुआ था। अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ an टर्म्स। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारे an के लिए पहले हम लिखते हैं a विच इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 3। अब इसके बाद क्या है, माइनस 4 अपॉन 3 प्लस n अपॉन 3, क्योंकि इस n का मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 से हो रहा है, फिर माइनस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे का एमएलसीएम ले लेते हैं, 3 ऊपर रहेगा माइनस 4 प्लस एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी आर ऑल वेरी फैमिलियर अबाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम 3 का इस माइनस 4 प्लस 9 एन माइनस 1 से करते हैं तो 3 4 12 माइनस 12 प्लस 3 एन माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 39। अब माइनस 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 15, और माइनस 15 को हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 39 प्लस 15। ठीक है, अब हो जाएगा n इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, माइनस का साइन बड़ा है अपॉन 4, तो यानी कि n इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि n की वैल्यू माइनस 1 माइनस 8 आ रही है तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 3, कोई दिक्कत नहीं है, d हमने माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 3 यानी कि माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3, तो हमारे पास हो गया 3 एलसीएम और माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब हम यहां देखते हैं माइनस 4 अपॉन 3 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an, an हमारे पास देखो अब थोड़ा सा कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है, सो आई अंडरस्टैंड। गड़बड़ी ये हुई है कि ये 13 अपॉन 3 है ना कि माइनस की वैल्यू है, तो इसे हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, 13 अपॉन 3 और ये भी हमारा माइनस 39 नहीं होगा प्लस 39 होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 39। अब हम यहाँ पे सही कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 9 प्लस 4 14 को 4 कैरी 1 3 प्लस 1 4 1 5 अपॉन 3, तो n की वैल्यू आ गई 3 बन जा 3 एंड 3 8 जा 24 80। अब देखो हमें मिडिल टर्म के तौर पे हमें इसके नंबर ऑफ टर्म के तौर पे कितना मिला है 18, और अब हमें क्या निकालना है इस नंबर ऑफ टर्म के बिहाफ पर इसका मिडिल टर्म। तो ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो मिडिल टर्म जो है हमारे पास मिडिल टर्म वो हमारा हो जाएगा 18 है ना, तो अब हमारा 18 अपॉन 2 कितना आता है 9, भाई जो भी हमारे पास टर्म 18 अपॉन 2 है 18 अपॉन 2 क्या आएगा 9 ही तो आएगा। अगर हम मिडिल टर्म की बात करें
तो इस बार ऑड नंबर में रहता तो प्लस वन करके अपॉन टू करते हैं, यहाँ तो इवन में है तो हम डायरेक्टली अपॉन टू करते हैं, तो 18 अपॉन टू और इसके बाद का नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा, इट मींस 9 और 10, 9 एंड 10, ये दोनों टर्म हमारे क्या हो गए, मिडिल मोस्ट टर्म हो गए। अब इन मिडिल मोस्ट टर्म को हम आपस में ऐड करेंगे। आपको समझ आ रहा मैंने क्या किया है? अभी तक हमने जो यहां का सॉल्यूशन किया वो पिछले क्वेश्चंस की तरह किया है, बट अगर यहां पे ऑड नंबर आता तो हम प्लस वन अपॉन टू करके मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, लेकिन ये इवन में आया है तो अपॉन टू किए तो नाइन्थ आया है, बट ये नाइन्थ टर्म मिडिल तो हो नहीं सकता है, इस वजह से 9 और 10 दोनों को लिया है और ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं, टू मिडिल मोस्ट टर्म हो गए हैं। क्लियर? अब इस टू मिडिल मोस्ट टर्म को हमारे पास कितना है, 9 और 10 आया। अब इस टू मिडिल मोस्ट टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इन टू मिडिल मोस्ट टर्म को क्या करते हैं तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ, या क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। इसके लिए हम क्या करेंगे, A9 और A10 दोनों को ऐड करेंगे, A9 प्लस A10। हमें पता नहीं है दोनों का सम कितना आएगा, बट वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ An प्लस A10। सो व्हाट वी डू, An मींस A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D एंड होल पे प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। क्लियर? अब हो जाएगा A प्लस 8D ब्रैकेट क्लोज प्लस A प्लस 9D, तो A प्लस 8D प्लस A प्लस 9D, ठीक है, A प्लस 2A हो जाएगा प्लस 8D प्लस 9D 17D हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, देखो 2A प्लस 17D, A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई थी, A की वैल्यू हमारे पास थी -4/3, तो 2 इंटू -4/3 प्लस 17 इंटू 1/3, तो 4 2 8 -8/3 प्लस 17/3, सो व्हाट वी हैव हियर 3 एंड देन -8 प्लस 17 यानी कि 9/3, यानी कि जो हमारा सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म आया है वो कितना आया है, 9/3 आया है। यही चीज आपको समझाना चाह रहा था कि अगर हमारे पास मिडिल टर्म ऑड नंबर में आता है तो हम प्लस वन अपॉन टू करके मिडिल टर्म, सॉरी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ऑड नंबर में आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 को और अपॉन टू कर देंगे, बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इवन में आता है तो हम क्या करेंगे, उसको उतने को ही अपॉन टू कर देंगे और दैट वैल्यू वॉट एवर वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग बाई टू दैट वैल्यू एंड प्लस वन वैल्यू, लाइक वी हैव हियर 2 9 18, सो वी हैव अ 9, सो 9 एंड 9 प्लस 1 10, सो 9 और 10 दोनों हमारा क्या हो गया, मिडिल मोस्ट टर्म हो गया। सो थैंक यू क्लास, अभी तक के क्वेश्चंस हो गए हैं, क्वेश्चंस अभी और हैं हमारे पास, बट उनको हम आज के लेक्चर में नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी एंड ठीक है। तो अभी इसके बाद जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चन ऐसे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, so prove that 25th term is triple, it's 11th term, and the last question, the fourth term of an AP is 11, so find the sum of 5th and 7th term, ठीक है, और there is another question, the fourth term of an AP is 11, the sum of 5th and 7th term of an AP is 34, so find the AP, ऐसे कुछ questions हैं जिसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसके बाद हम क्या निकालना शुरू करेंगे, sum of term SN के formula से values को, so thank you class, thank you so much.